शिंदे साहब, ये वक्फ बोर्ड जो है वो लाल किले पर, ताजमहल पर अपना दावा करता है, और इस तरह के बहुत सारे स्मारक हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं जो इतिहास और संस्कृति दोनों के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो कहता है कि हमारा है। अभी एएसआई कैसे देखता है इसको, इसका निपटारा कैसे है? देखिए, ये यहाँ बुलाने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो बोल रहे हैं कि हमारा है, वो सही बोल रही है, हमारा ही है, भारतीय लोगों का ही है ये। और अगर आप पूरा इतिहास देखेंगे, पुरातत्व देखेंगे, तो जहाँ जहाँ ये क्लेम हुआ है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, वहाँ पे तो हजारों साल से वहाँ पे पुराने अवशेष मिल रहे हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि राजस्थान, गुजरात और ये हरियाणा का पार्ट जो है, वहाँ पे सरस्वती नदी बहती थी, और वो सरस्वती नदी के किनारे में सरस्वती सभ्यता के 4,500-5,000 साल पुराने अवशेष मिलते हैं। और काफी अवशेष जो है वो इसमें, जिसमें जिसको वक्फ बोर्ड बोलता है कि हमारी जमीन है, उसमें है। तो ये क्या 4,500 साल पहले ये वक्फ बोर्ड बनाया था? इसका मतलब ये है कि बाद में जब ये जब मुगल आए 700-800 साल पहले, उसके बाद ये सब शुरू हो गया। तो इसको कहना गलत होगा कि ये जमीन हमारी है, ये तो पूरी सरकारी जमीन है, वहां पे पुरातत्व तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का पूरा अधिकार है, तो उसमें कोई ये दौरा नहीं, उसके लिए प्रॉपर एविडेंस है। हमने एक ये भी ये किया था, एक हमने डीएनए स्टडी किया है, और डीएनए से सब मालूम पड़ता है कि हम पूरे भारतीय, अंदमान निकोबार से लेके लगभग कश्मीर लद्दाख तक, और अफगानिस्तान से लेके लगभग बंगाल तक या आगे, सबका जो डीएनए है, कोई भी आप मजहब आप फॉलो करिए, सबका डीएनए एक ही है। इसका मतलब ये सब भारतीय लोग है। बाद में जब अलग अलग आइडियोलॉजी में वो चले गए, वो अलग बात है। शिंदे साहब, मेरा जो बुनियादी सवाल है वो आपसे ये जानने का है कि एएसआई के हिस्से में जो ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्व के स्मारक हैं, वो क्या वक्फ की संपत्ति हो सकते हैं, या वक्फ उनका देख रेख करने वाला हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जैसे कल वो कहता है कि ये जो कुतुब मीनार है ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, क्योंकि इस्लामिक राजा का है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये कहना गलत होगा। मैंने पहले से बताया कि जहाँ जहाँ वक्फ बोर्ड अपना क्लेम करता है कि हमारी जमीन है, वहाँ पे हजारों साल से पुराने अवशेष मिल रहे हैं वहाँ पे। इसका मतलब वो हमारे धरोहर है, और धरोहर ये काफी साल से, हजारों साल के, 2,000-3,000-4,000 साल इतने पुरानी धरोहर है, तो उसको ये कैसे कर सकते कि यह हमारी जमीन है?